जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। शिव पुराण। शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए। लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम ले, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प, दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के हाथ। थोड़ा व्यासपीठ से बोलना उत्तम नहीं लग रहा है, पर फिर भी जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुमरुकेश्वर महादेव का, तुमरुका जी का नाम लेते हो, किस बार घुमाते हो कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्युमंजरी चक्र का स्मरण, जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा रहा, एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है, तो उस समय पर जो माँ पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है, जम के बोलो, मृत्यु मंजरी। और हमने कहा था दुर्गा भवानी के हाथ में जो चक्र रखा है, देवी जी ने जो चक्र दे दिया था परशुराम भगवान को, फिर उनके हाथ में जो चक्र रहा, उस चक्र का नाम क्या है, मृत्यु मंजरी। कौन सा चक्र है? मृत्यु मंजरी चक्र, देवी भागवत, उसका नाम मृत्यु मंजरी। एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले, केवल एक पुष्प माँ भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा प्रबल,
ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहाँ का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी है। संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों, घर में घी को कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती है, कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त। हमारे शंकर से हमारे बातों को कह देते हैं। आपको एक बात कही थी कि कई लोगों ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि शिव मंदिर की चौखट पर जाकर प्रणाम करो, कई लोगों को वर्णन भी कई बार आप लोगों से कहा भी कि जब जीवन में अगर तकलीफ है, कष्ट है, तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ आई रही है, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना, ये तीन जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, भाव प्रकट करते। वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर 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 बेलपत्री के वृक्ष के, और शुरुआत कहाँ से करना है, बेलपत्री के वृक्ष से शुरुआत करना। घी का दीप लगाइए व्रत का, और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छाओं में बैठकर बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग उपाय जब बताया जाता है तो इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको, जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा, अब गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या, उसकी छाया हमारे ऊपर पर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे। अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में बैठे हो और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई छाता साइड में कर लिया हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर है, उनसे कहा कि मैं आपको बेलपत्ते के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्ते के पेड़ के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्ते का पौधा अपने घर पे ले चलो, वही गमले में लगा लेंगे, वही पूजन करते रहेंगे और वही पे सारे उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा सीवर वाला की बेलपत्ते के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की इच्छा हो हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्त कमल की छाया, जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्त कमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। पत्ता होता ध्यान से सुनिए, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या दो बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में दो बार चढ़ाओ, हफ्ते में एक बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में दो बार चढ़ाओ, ज्यादा बीमारी है शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है ना जलाधारी में से शिवजी पे जल चढ़ाया, जैसे
ये शिवलिंग इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहाँ गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी के ऊपर एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घर लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घर पर होना गाय के घी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।